दोस्तों नमस्कार, मैं जहांगीर आलम आप सभी के समक्ष फिर एक नए मुद्दे लेकर। और आज का मुद्दा काफ़ी गंभीर है, ज्वलंत है और आप लोगों के समक्ष ये रखना काफ़ी ज़रूरी भी है। दोस्तों आज देश के हर शहरों से एक ही खबर आ रही है, वह है मॉब लिंचिंग की। ये ऐसी घटनाएं हैं जिसमें भीड़ द्वारा किसी एक या दो चार लोगों को पीट पीट कर मार दिया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि लोगों में इतना गुस्सा, इतना आक्रोश आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं की वृद्धि क्यों हो रही है। हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए और ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे आगे ये घटनाएं ना घटें। दोस्तों ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं आज हमारे देश के लिए नासूर बनती जा रही है और घातक बनती जा रही है। इन घटनाओं में देखा जा रहा है कि बूढ़े, बच्चे, जवान, औरत किसी की लोग परवाह नहीं करते हैं और पीट पीट कर उसे मार देते हैं। ऐसी ही एक वीडियो आई है जो शायद उत्तर प्रदेश के किसी गांव की है, जहां चोरी का इल्ज़ाम लगाकर दो महिलाओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है। पुलिस ने पहुंचकर काफ़ी मशक्क़त से महिलाओं को छुड़ाया है। ताज्जुब की बात यह है कि जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो उस गांव के सैकड़ों लोग इस घटना में शामिल हो जाते हैं, कोई भी इस घटना का विरोध करने को तैयार नहीं होता है। तो हमारा समाज के सभ्य लोगों से अनुरोध है कि ऐसी घटनाओं का पुरजोर विरोध करें। तो सभी को धरने से मर गए। बताएगा ना।
पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के अंतर्गत आसनसोल क्षेत्र में सभी क्षेत्रवासियों से हार्दिक शुभकामना करता हूँ। यह क्षेत्र परंपरा से सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण में जिया है, इसलिए प्रत्येक नागरवासियों से, प्रत्येक भाइयों से, बहनों से, माताओं से मेरा यह अनुरोध है कि सदैव सब कोई एक साथ रहें, एक साथ मिलकर के शांतिपूर्ण वातावरण बिताएं। ये दुनियादारी की चक्कर, राजनीति का चक्कर और ये जो हमारे यहाँ विपत्ति आई है, इस विपत्ति को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्वक से पार करें, एकता का सूचक बने, एकता संबंध बना के रखें, इखलाक मोहब्बत बना के रखें। यही आसनसोल वासियों से मेरा अनुरोध है और मेरी विनती है कि किसी के बहकावे में ना आए। राजनीति हो या उच्च राजनीति हो या अपने कस्बे की राजनीति हो, इससे हमेशा दूर रहें, चूँकि ये हमारा आसनसोल भाईचारों का घर है, भाईचारों का मंदिर है, भाईचारों का प्रदेश है। यहाँ व्यवसायिक वर्ग, सामाजिक वर्ग, विद्यार्थी वर्ग, युवा युवतियाँ सब मिलकर के एक साथ जो है सब धर्म में अपना अपना योगदान करते हैं, अपनी अपनी परंपराओं के साथ हार्दिक शुभकामनाएं मनाते हैं। इसीलिए मैं भी एक शुभकामना कर रहा हूँ और यह संदेश शिल्पांचल वासियों को मैं दे रहा हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए और शांतिपूर्ण वातावरण से अपना जीवन यापन करें। धन्यवाद। जय।